तुमने अपने अब्बा को मशवरा दिया था कि अम्मा के यहाँ से पैसे मंगवा ले। क्या हो गया अमीर? अपनी नानी के घर से मांगे हैं ना, अपने मामू के घर से। एक बात बताएं, अगर वो आपके भाई का घर ना होता और मायरा आपकी भतीजी ना होती, तो आपको लगता है कि वैसी आम शक्ल की लड़की मेरी भी बन सकती थी? नहीं ना, उसे सिर्फ आपकी भतीजी होने का एडवांटेज मिला और किसी ना किसी तरह उसे पेबैक तो करना पड़ेगा, समझ रही है ना? कमाल चाय बनाई आपको। कहो। क्या करना है अम्मा? करना क्या है? अरे घर बिठाओ उसे। 4 दिन हुए नहीं नौकरी करते, 400 गज लंबी जबान हो गई है उसकी। कौन मानेगा कि मशाल की बहन है जिसके मुंह में जबान तक नहीं है? मशाल, मशाल। जी दादी। जाओ बुला के लाओ जरा मायरा को, बात करती हूं मैं उससे। जी मायरा, तुम्हें दादी बुला रही है, चलो। मुझे नहीं आना। क्या बदतमीजी है ये? दादी है वो हमारी, इस खानदान की बड़ी है, चलकर उनकी बात सुन लो। चलो। और मेरी बात सुनो, वहां उनसे बदतमीजी मत करना प्लीज। मैं कोई बदतमीजी नहीं करती, सिर्फ जायज और हक की बातें करती हूँ। जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं तुम्हें नौकरी करते हुए। ये समन, अरसलान, शकील की जो हम मदद कर रहे हैं ना बेटा, वो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो मेरे मरहूम बेटे का कमाया हुआ पैसा है, समझी? तो वो हमारे भी कुछ लगते थे दादी। अब्बू के जाने के बाद उनकी हर चीज पे सबसे पहले हमारा हक है, मेरा, मिशाल और अम्मी का। अरे वाह, और दादी को तो मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकती हो दूध से तुमने। नहीं, ये सारी चीजें आपकी भी हैं दादी, लेकिन किसी और को देने के लिए नहीं। किसी? यहाँ पे कौन है किसी भाई? अरे वो सब हमारे अपने हैं। तुम्हारी फुप्पो का घर है, तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, यही तौर तरीका और चलन है इस दुनिया का। तो आप ऐसे ख्याल रखेंगी, अपनी जमा पूंजी उनको दे दें और उनके सामने हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं? बस कर दो, बस कर दो मायरा, तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है ये मेरा और अम्मा का मामला है, हमें सुलझाने दो बस। मुझे पता है आप कैसे सुलझाएंगी। वैसे तुम्हारा इस मामले में बोलना बिल्कुल नाजायज है मायरा। और तुम क्यों चुप रही, क्यों खामोश रही तुम? मुझे यकीन है कि अरसलान भाई ने पहले ही तुम्हें इशारे में सब कुछ बता दिया होगा, और तुमने मुझे, अम्मी, दादी को कुछ बताने की तकलीफ नहीं की। अरसलान पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो मायरा, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उनको बाहर से कर्ज मिल जाए ताकि उन्हें हम में से किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, मगर उन्हें बाहर से कर्ज नहीं मिला। अगर मिल जाता तो वो और समन पुप्पो कभी हमारे घर ना आते। और तुम्हें ये सब किसने बताया? अरसलान भाई ने ना? मायरा, मुझे तुम्हारा इतना बोलना समझ नहीं आ रहा, चुप हो जाओ बस। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन दादी की बात गलत है। कौन सी बात? यही कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अब्बू का कमाया हुआ है। सालों भर आपने दो दो नौकरियां की अम्मी, बसों में धक्के खाया करती थी आप, रिक्शे टैक्सी में सवार नहीं होती थी, उनके पैसे बचाने होते थे। खामोश रहो, मैं कह रही हूँ, समझदार जिसके बाद एक लफ्ज भी बोली तुम। लंच तक आप स्किप क्या करती थी अम्मी, पैसे बचाने की। बस करो, चुप हो जाओ। जब सारी जिंदगी मैंने कोई हिसाब किताब नहीं किया तो तुम कौन होती हो करने वाली?
अब जाओ यहां से। मायरा, मैं तुमसे कह रही हूं, जाओ यहां से, जाओ। पता नहीं कहां की गर्मी चढ़ी हुई है इसके दिमाग के ऊपर। नुदरत, अब तुम बताओ मुझे, तुम कल मेरे साथ सुनार के यहां जा रही हो या नहीं जा रही हो? और अगर नहीं जा रही हो तो मैं चली जाऊंगी यहां से। दादी, आप कहां चली जाएंगी? समन और अरसलान के घर। मैं मुसीबत जदों के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगी, बचाए उन लोगों के जिनकी गर्दन में सरिया आ गया है। अम्मा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। आपके साथ चलूंगी सुनार के पास। आप कहीं नहीं जाएंगी दादी? Yeah. तो फिर पक्का कर लेके जा रहे हो ना? इरादा तो है। क्या मतलब है तेरा इरादा है? जब फैसला कर लिया तो कर लिया। यार सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। मुझसे पूछे कहाँ ले जा रहे तो क्या कहूंगा उन्हें? आतेर, अब तुम बच्चे नहीं हो, कह देना किसी दोस्त का, अब झूठ बोल देना। और लेकिन जब उनके घर चले जाना और मायरा सामने आ जाए तो बोल देना मिली अपने बहू से। अच्छा, मतलब इतने एज पे ले जाके मैं सब कुछ बताऊं उनको? ऑब्वियसली आते, उससे पहले अगर बताओगे तो सॉरी, मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेंगे। अगर वहां सबके सामने कुछ उन्होंने बोल दिया तो क्या करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अम्मी का नेचर बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो सबके सामने दिखावा करती हैं। सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगी, घुल मिल कर बात करेंगी, हंसकर बात करेंगी। लेकिन हाँ, जब वो वापस आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं है, ये बता रही हूँ मैं पहले से। यार, I don't know, अरे like... तुम दोनों बहन भाई यहाँ कब से बैठे हुए हो भाई? मैं ढूंढ रही हूँ जब से अंदर घर में। मेरा फोन चार्ज पे लगा है, मैं आती। आए ना यहाँ बैठे मेरे पास। अरे बेटा, मैं बैठने नहीं आई, बस तुम्हें याद दिलाने आई थी। कल तुम्हें मेरे साथ सालगिरह में जाना है, याद रखना। कैसे भूल सकता हूँ, आप ही कोई भी बात याद है। लेकिन उससे पहले आपको एक जगह लेके जाना है मुझे। कहाँ जाना है? अपने दोस्त के घर। बेटा, मैं तुम्हारे दोस्त के यहाँ जाके क्या करूंगी? चलेंगे तो बताऊंगा ना, सरप्राइज है, ठीक है? लेकिन मैं मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी आप, बस साथ जाना है आपको, ठीक है? मैंने आपको बोल दिया तो बस फिर